नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कार्नो इंजन होता क्या है। कार्नो इंजन के द्वारा जो प्रक्रम थे वो प्रक्रम हमने पढ़े थे, उसके पश्चात उन प्रक्रमों के द्वारा किया गया कार्य हमने ज्ञात किया। इसके पश्चात हमने क्या किया था, कार्य निकालने के पश्चात ज्ञात की थी कार्नो इंजन की दक्षता। और बेटा जो कार्नो इंजन की दक्षता होती है वो कितनी होती है, 100% होती है। इतनी होती है 100%। मतलब कार्नो जो इंजन होता है ये वास्तव में नहीं था, इसकी केवल क्या की गई थी, कल्पना की गई थी। और उस कल्पना के अनुसार क्या था कि एक ऐसा इंजन जो संपूर्ण ऊष्मा को किसमें बदल देता है, कार्य में बदल देता है। तो यहां से बेटा जो हमने इसकी दक्षता निकाली, जिसका फॉर्मूला था नीटा बराबर 1 - T2/T1, या क्या था 1 - Q2/Q1। इसको जब आगे हमने सोल्व किया था, अपने पास मान क्या था, नीटा बराबर 1 - 1/ρ^γ-। देखा रो यहां पर क्या है, रुदोष्म प्रसार अनुपात या रुदोष्म गुणांक, ये अपने पास था। ये हमने पिछली क्लास में निकाला था। इससे पहले बेटा हमने पढ़ा था ऊष्मा गतिकी का शून्य नियम पढ़ा था, और ऊष्मा गतिकी का कौन सा नियम पढ़ा था, प्रथम नियम पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम, कि ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम होता क्या। बेटा देखो ऊष्मा गतिकी का जो दूसरा नियम है, इस दूसरे नियम के दो कथन होते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे पहले कथन की। पहला कथन इसका क्या है, पहला जो कथन है वो दिया गया था केल्विन और प्लैंक के द्वारा, प्लैंक के अनुसार। किसने दिया था पहला कथन, केल्विन और प्लैंक ने दिया था। समझो पहले कथन में होता क्या है कि केल्विन और प्लैंक ने ऊष्मा गतिकी या ऊष्मा इंजन कह दो, कार्नो इंजन कह दो, इसके बारे में क्या कहा। तो बेटा जो कार्नो केल्विन और प्लैंक के अनुसार क्या कहा गया, केल्विन और प्लैंक ने कहा कि ऐसा कोई भी इंजन बनाना संभव नहीं है। मतलब ऐसा कोई भी इंजन हम नहीं बना सकते जो सारी की सारी ऊष्मा को किसमें बदल दे, कार्य में परिवर्तित कर दे। कि ऐसा इंजन बनाना नामुमकिन है, असंभव है, जो सारी ऊष्मा, जितनी ऊष्मा उसको कहां से मिलेगी, स्रोत से मिलेगी, उस सारी की सारी ऊष्मा को किसमें परिवर्तित कर दे, कार्य में परिवर्तित कर दे, ऐसा कभी भी संभव नहीं होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, कुछ ऊष्मा कहां पर पहुंचेगी, सिंक में पहुंचेगी। देखो होता क्या है, जो अपनी कार्य प्रणाली है वो क्या है कि ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा कहां पर आती है, कार्यकारी पदार्थ के पास। कार्यकारी पदार्थ उस ऊष्मा को ग्रहण कर क्या करता है, कार्य करता है। और जो बची हुई ऊष्मा होती है वो कहां पर देता है, ऊष्मा सिंक में देता है, त्याग कर देता ऊष्मा सिंक में ऊष्मा। लेकिन केल्विन और प्लैंक ने क्या, कार्नो इंजन के अनुसार क्या होती है, कार्नो इंजन जो होता है वो संपूर्ण ऊष्मा को किसमें बदलता है, कार्य में बदलता है। यानी कि जितनी ऊष्मा उसको दी गई सारी की सारी उसने यूज कर ली। ये किसने का, किसका है, कार्नो इंजन का है। लेकिन कार्नो इंजन का से इसका अर्थ क्या हुआ कि सिंक में ऊष्मा नहीं गई, सिंक में ऊष्मा कितनी रहेगी, जीरो। सारी की सारी जो Q1 ऊष्मा थी, देखो स्रोत से ऊष्मा कितनी गई थी, ये अपने पास हो गया स्रोत, यहां पर है कार्यकारी पदार्थ, और यहां पर है सिंक। ठीक, यहां से Q1 ऊष्मा आई, वो Q1 ऊष्मा इसकी सहायता से क्या हुआ, कार्य हुआ, किसमें बदल गई, कार्यकारी पदार्थ, कार्य हो गया Q1 ऊष्मा का, किसके अनुसार, कार्नो इंजन के अनुसार। हुआ नहीं हुआ, कार्नो इंजन क्या कहता है कि जितनी ऊष्मा स्रोत से प्राप्त होती है वो सारी की सारी किसमें बदल गई, कार्य में बदल गई। मतलब सिंक के पास ऊष्मा नहीं आई, नहीं आई। लेकिन केल्विन और प्लैंक ने क्या कहा
कि ऐसा कभी भी संभव नहीं होता कि जितनी ऊष्मा हमें स्रोत से मिली हो वो सारी की सारी किसमें बदल जाए, कार्य में बदल जाए। इसका अर्थ क्या हुआ, कुछ ना कुछ ऊष्मा सिंक क्या करेगा, ग्रहण करेगा, किसके द्वारा, कार्यकारी पदार्थ के द्वारा। तो बेटा इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई माना ये अपने पास हो गया स्रोत, यहां पर अपने पास है कार्यकारी पदार्थ, हो गया, और यहां पर है अपने पास सिंक। यहां से Q1 ऊष्मा आई, कार्यकारी पदार्थ पर Q1 ऊष्मा ग्रहण कर कार्यकारी पदार्थ पर क्या हुआ, कार्य हुआ, और माना कुछ ऊष्मा बची, वो कितनी बची Q2, वो कहां पर चली गई सिंक में, यानी कि कार्य कितना हुआ Q1 माइनस, हो गया कार्य। ये क्या है, किसके अनुसार, केल्विन और प्लैंक के अनुसार, ये किसके अनुसार था कानून, ये कभी भी असंभव या ये कभी भी संभव नहीं है, मतलब हमेशा कैसा रहेगा, ये असंभव और ऐसा इंधन बनाया जा सकता है, मतलब ये क्या है, संभव है। तो केल्विन और प्लैंक ने क्या कहा कि ऐसा इंधन कभी भी नहीं बनाया जा सकता जिसकी दक्षता कितनी हो 100% हो, या दूसरे शब्दों में ऐसा इंधन कभी भी नहीं बन सकता जो संपूर्ण ऊष्मा को किसमें परिवर्तित कर दे, कार्य में, अर्थात कुछ ना कुछ जो ऊष्मा है वो कहां पर जाएगी, सिंक में जाएगी। ये किसका कथन है, ऊष्मा गतिकी के दूसरे नियम में पहला कथन है किसका, केल्विन और प्लैंक का कथन है। अब बात करते हैं बेटा दूसरे कथन की, जो दूसरा कथन है अपना वो है क्लासेस का कथन। सबसे पहले, पहले कथन में देखो ये दो सिद्धांत, ये वाला सिद्धांत हमने किसमें पढ़ा था, ऊष्मा इंजन में पढ़ा था भाई, ऊष्मा इंजन यही तो करता है, स्रोत से ऊष्मा लेता है फिर कार्य करता है, और बची ऊष्मा कहां देता है, सिंक में देता है। तो देखो क्लासेस का जो पहला, केल्विन का जो कथन है, या कह दो ऊष्मा गतिकी के दूसरे नियम का जो पहला कथन है वो किस पर आधारित है, ऊष्मा इंजन के सिद्धांत पर आधारित। अब बात करते हैं दूसरे कथन की, जो किसने दिया था, क्लासियस ने दिया था। और बेटा देखो जो दूसरा कथन है वो होता क्या, क्लासियस के अनुसार देखो हमने आज तक क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने आज तक पढ़ा है कि ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वो उच्च ताप से कहां पर होता है, निम्न ताप की ओर, मतलब ऊष्मा ऊपर से कहां आती है, नीचे की तरफ आती है। हमने पढ़ा, ये पढ़ा है कि ऊष्मा का प्रवाह कब होगा, जब ऊष्मा उच्च ताप से कहां पर आएगी, निम्न ताप की ओर, कब तक होगा, जब तक दोनों ताप कैसे ना हो जाएंगे, बराबर या साम्य अवस्था प्राप्त नहीं हो जाएगी। तो इसके पश्चात क्लासियस ने क्या कहा कि देखो ऊष्मा जो है वो कभी भी निम्न ताप से कहां पर नहीं जा सकती, उच्च ताप की ओर नहीं जा सकती, मतलब निम्न से कहां पर नहीं जाएगी, उच्च में, नीचे से कहां पर नहीं जाएगी, ऊपर की ओर नहीं जाएगी। तो ऊष्मा का जो प्रवाह है वो कभी भी निम्न ताप से कहां पर नहीं होगा, उच्च ताप पर नहीं होगा, जब तक उस पर कोई बाह्य काम नहीं किया जाए, मतलब बिना काम किए ऊष्मा कभी भी निम्न ताप से कहां पर नहीं पहुंच सकती, उच्च ताप पर नहीं पहुंच सकती है। ये किसका कथन है, क्लासियस का कथन है। पर बेटा ये जो कथन है क्लासियस का कथन, इसमें क्या है कि ऊष्मा जो है वो निम्न ताप से कहां पर नहीं जा सकती, उच्च ताप की, ये कैसे नहीं जा सकती, बिना कार्य के, कि बिना कार्य के कभी भी या बिना काम किए कभी भी जो ऊष्मा है वो निम्न ताप से उच्च ताप की ओर प्रवाहित नहीं होती। ये होता है ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम, या किसका नियम है, क्लासियस का जो है ये कथन। बेटा ये जो है ये रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके सिद्धांत पर कार्य करता है रेफ्रिजरेटर, यानी फ्रिज, जो अपना फ्रिज होता है उसके सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। कौन सा, क्लासियस का पहला जो कथन था वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊष्मा इंजन के सिद्धांत पर। जो दूसरा जो कथन था वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत।
बेटा इसके बाद हम पढ़ेंगे दोनों कथनों की समतुल्यता, यानी दोनों कथन समान है या अलग अलग है। अब देखो समतुल्यता का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो एक कथन अपना सही है तो दूसरा भी कैसा होगा, सही होगा, अगर एक गलत है तो दूसरा भी कैसा होगा, गलत। तो ये होगी इनकी समतुल्यता। अगर ऐसा नहीं हुआ एक सही है और दूसरा गलत हो जाए, या एक गलत है दूसरा कैसा हो जाए सही, तो ये कथन समतुल्य नहीं होंगे। तो उष्मा गतिकी के दूसरे नियम के जो दो कथन है अपने, इन दोनों की समतुल्यता की हम क्या करेंगे, जांच करेंगे कि ये दोनों समतुल्य हैं कि नहीं। देखो बेटा समझो है क्या कथन, पहला तो अपना है कथन समतुल्यता को सिद्ध करने की दो स्थितियां ले सकते हैं, हम एक कथन को गलत मान ले और दूसरे को सही मान ले, फिर उस आधार पर कार्य कर लास्ट में देखें कि सही आया कि गलत आया। तो हम पहली स्थिति में क्या लेते हैं, पहली स्थिति लेते हैं फर्स्ट स्थिति से कि कैल्विन का जो कथन है वो सही है, कैसा है सही है, लेकिन क्लासियस का कथन कैसा है गलत है। ये पहली स्थिति ले ली कि कैल्विन का जो कथन है वो तो कैसा है सही है, लेकिन क्लासियस का जो कथन है वो कैसा है गलत है, हुआ नहीं हुआ। तो इस आधार पर बेटा देखो यहां पर हुआ क्या, क्लासियस का कथन गलत है, गलत का मतलब ये गलत हो गया कि उष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ले जाने पर हमें किसी कार्य की आवश्यकता नहीं पड़ती, उष्मा निम्न ताप से उच्च ताप पर बिना काम के भी जा सकती है। ये किसका कथन हो गया, क्लासियस का, भाई गलत हो गया ये तो कथन, इसने कहा था कि बिना काम के नहीं जा सकती, ये कथन था लेकिन ये गलत साबित हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ, उष्मा निम्न ताप से उच्च ताप की ओर आसानी से चली जाएगी। बेटा माना ये अपने पास हो गया एक स्रोत और यहां पर हो गया सिंक का तापमान कैसा होता है, निम्न होता है, स्रोत का तापमान कैसा होता है, उच्च होता है, ठीक। तो कैल्विन का कथन तो सही है फिलहाल पहली स्थिति में, लेकिन क्लासियस के कथन को हमने कैसा मान लिया, गलत मान लिया। तो सिंक की उष्मा कितनी होती है बेटा, क्यू टू होती है, ये Q2 उष्मा है, ये देखो यहां पर कार्यकारी पदार्थ लगा दिए हमने, लेकिन भाई क्लासेस के अनुसार काम तो होगा ही नहीं, ये Q2 उष्मा सारी की सारी कहां पर चली गई, इस स्रोत के पास आ गई। स्रोत के पास पहले उष्मा कितनी थी, Q1 थी, और बाद में कितनी आ गई, Q2 और आ गई, तो कुल उष्मा स्रोत के पास कितनी हो गई, Q1 प्लस Q2 हो गई। किसके अनुसार, क्लासेस के अनुसार होगी भी, गलत साबित उसका कथन फिलहाल। तो इसमें क्या क्लासेस में क्या होता है, निम्न ताप से उष्मा कहां पर जाती, उच्च ताप की ओर, निम्न ताप से उष्मा Q2 गई कहां पर, उच्च ताप स्रोत की ओर, सिंक से कहां पर चली गई, स्रोत की ओर चली गई, गई नहीं गई, जब सिंक से उष्मा कहां पर चली गई, स्रोत की ओर, लेकिन कार्य नहीं हुआ, क्लासेस का कथन गलत है, कार्य नहीं होगा, तो सारी की सारी उष्मा कहां पर चली गई, गई नहीं गई। अब देखो इसके साथ हम एक उष्मा इंजन जोड़ देते हैं बेटा, यहां पर जोड़ दिया उष्मा इंजन, ये क्या जोड़ दिया यहां पर, अब एक उष्मा इंजन, ये कार्यकारी पदार्थ है। तो देखो उष्मा इंजन क्या करता है, यहां से देखो उष्मा कितनी आई, क्यू वन प्लस में क्यू टू उष्मा आई नहीं गई भैया, इसके पास उष्मा कितनी थी, क्यू वन तो स्रोत की और क्यू टू कहां से आ गई, सिंक से आ गई, तो टोटल कितनी हो गई, Q1 प्लस में Q2, हुई नहीं हुई। अब देखो बेटा जब इसके पास Q1 प्लस में Q2 उष्मा आई तो यहां पर कार्य होगा, W यहां पर क्या हो गया, कार्य हुआ नहीं हुआ भाई, अब नीचे तो कार्य कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, तो यहां पर हो गया अपना कार्य, कार्य के पश्चात उष्मा कहां पर आएगी, नीचे आएगी वापस, बची हुई उष्मा कहां पे आएगी, नीचे आएगी भाई, माना यहां पर W बराबर Q1 तो क्या हो गया, कार्य, और Q2 उष्मा कहां पर आ गई, वापस नीचे आ गई,
भाई Q1 प्लस Q2 कुल स्रोत से उष्मा थी, उसमें से Q1 उष्मा का क्या हो गया, कार्य हो गया, Q2 उष्मा वापस कहां गई, सिंक पर आ गई। देखो सिंक से उष्मा कितनी गई थी Q2 और सिंक पर वापस आ गई Q2। स्रोत की उष्मा कितनी थी Q1 उष्मा थी और वो सारी की सारी किस्में बदल गई। देखो Q1 जो उष्मा थी सारी की सारी किस्में बदल गई, कार्य में बदल गई, बदली नहीं बदली, तो इसका अर्थ क्या हुआ, संपूर्ण उष्मा किस्में बदल गई, कार्य में बदल गई। लेकिन कैल्विन का कथन ये होता है नहीं होता है बेटा, कैल्विन के कथन के अनुसार क्या होता है कि संपूर्ण उष्मा कभी भी कार्य में परिवर्तित नहीं होती है, मतलब कुछ ना कुछ उष्मा कहां पर आती है, सिंक में आती है। तो जब देखो हमने क्लासेस के कथन को गलत साबित किया था तो कैल्विन का कथन अपने आप कैसा हो गया, गलत हो गया, मतलब दोनों समतुल्य हुए नहीं, एक कथन को हमने गलत माना तो दूसरा अपने आप कैसा हो गया गलत, यदि हम उस एक कथन को सही मानते तो दूसरा अपने आप कैसा हो जाता, सही हो जाता। आया समझ में कि दोनों कथन समतुल्य कैसे, इसको एक बार फिर से समझ लो, क्लासेस का कथन गलत है इसका मतलब निम्न ताप से उच्च ताप को उष्मा भेजने के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि क्लासेस ने क्या कहा था कि जब भी निम्न ताप से उष्मा जो है वो उच्च ताप की ओर जाएगी तो काम करना पड़ेगा, बिना काम के नहीं जा सकती। लेकिन यहां पर इसका कथन गलत है तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंक से उष्मा स्रोत में बिना काम की जा सकती है, हुआ नहीं, इसका अर्थ यही हुआ कि स्रोत से सिंक से उष्मा स्रोत में भेजती, निम्न ताप से कहां पर भेजती, उच्च ताप से बिना काम की। तो Q2 उष्मा यहां से गई और ये सारी सारी यहां पर चली गई, स्रोत पर चली गई क्योंकि काम तो करना पड़ा नहीं। इसके पश्चात हमने यहां पर एक उष्मा इंजन जोड़ दिया, उष्मा इंजन का कार्य क्या है, वो स्रोत से क्या लेता है बेटा, उष्मा लेगा और स्रोत से उसने स्रोत के पास उष्मा कितनी ली, Q1 प्लस में Q2 थी, तो उसने सारी की सारी उष्मा ले ली, Q1 भी ले ली और क्या ले ली Q2 भी, इसमें से Q1 उष्मा से वो क्या कर लेता है, कार्य कर लेता है और बच गई उष्मा कितनी Q2, वो Q2 उष्मा कहां पर भेज देता है, सिंक में भेज देता है, क्योंकि इंजन का काम ये कि वो स्रोत से उष्मा लेता है उससे कार्य करता है, बची उष्मा को कहां भेज देता है, सिंक में भेज देता है, ये इसका काम है। लेकिन बेटा देखो Q2 उष्मा तो कहां से गई थी, सिंक से गई थी, वो तो वापस घूमकर सिंक में आ गई, सिंक की उष्मा थी वापस किस में आ गई, सिंक में, स्रोत की उष्मा कितनी थी Q1, वो सारी की सारी किस में बदल गई, कार्य में बदल गई, बदली नहीं बदली। इसका अर्थ क्या हुआ कि कैल्विन का नियम भी कैसा साबित हुआ, गलत, क्यों, क्योंकि कैल्विन तो क्या कहता है कि संपूर्ण उष्मा कभी भी कार्य में परिवर्तित नहीं होती, कुछ ना कुछ कहां जाती है, स्रोत में, सिंक में चली जाती है, लेकिन यहां तो स्रोत की सारी उष्मा कहां पर बदल गई, कार्य में बदल गई। तो हमने एक कथन को गलत साबित किया तो दूसरा कथन अपने आप कैसा साबित हो गया, गलत साबित हो गया। और यही होती है बेटा उष्मा गतिकी के द्वितीय नियम के कथनों की समतुल्यता, ठीक है। एक तो अपना ये हो गया, इसी प्रकार से एक मेथड और है अपने पास, उसमें हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा कथन है अपने पास क्लासेस का कथन, इसको सही साबित कर देंगे, मतलब हम मानेंगे कि क्लासेस का कथन तो सही है लेकिन कैल्विन का कथन कैसा है, गलत है। और जब इसको हम आगे शुरू करेंगे, मतलब एक स्थिति में तो हमने कैल्विन को सही माना, क्लासेस को गलत मान लिया, दूसरी स्थिति में क्या करेंगे, क्लासेस को सही मान लेंगे और कैल्विन को कैसा मान लेंगे, गलत मान लेंगे, ठीक है। ये जो अपना अगला है ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा।